एग्जाम्पल टेन पॉइंट ट्वेंटी थ्री है इन द रेजोनेंट स्टेट कंडीशन ध्यान रखना कौन सी कंडीशन की बात कर रहा है सर ये रेजोनेंट स्टेट की बात कर रहा है आपके पास द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस इन द सर्किट आर आपके पास जो इंडक्टेंस की वैल्यू है डेट इज जीरो पॉइंट वन आपके पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है डेट इज़ टू हंड्रेड ऑफ माइक्रोफेरड एंड जो रेजिस्टेंस है सर्किट का डेट इज ट्वेंटी ओम आपके पास रेस्पेक्टिवली एट द सेम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन कह रहा है कि जितनी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी यहाँ होगी ना उतनी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अगली बार भी है मतलब लाई फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हुआ इफ़ द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ सर्किट इज चेंज एल की वैल्यू चेंज हो जाती है और नई वैल्यू आ जाती है बेटा एल डेश और एल डेज की वैल्यू है बेटा आपके पास हंड्रेड हंड्री देन फाइंड द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस तो आपके पास कैपेसिटेंस की रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है अब ध्यान दो बेटा आपके पास दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है वन अपॉन में टू पाई अंडर रूट ऑफ एल सी इस स्टेट पर रेजुनेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा टू पाई अंडर रूट ऑफ क्या एल डैश ऑफ सी डैश आपके पास अब एफ आर तो दोनों में इक्वल है तो दोनों के जब एल इक्वल हैं तो आर भी क्या होंगे इक्वल इक्वल कर दो इनको तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास वन अपॉन में टू पाई रूट ऑफ एल सी और ये होगा वन अपॉन में टू पाई अंडर रूट ऑफ एल डैश सी डैश टू पाई से टू पाई कैंसिल आउट क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो अंडर रूट ऑफ एल डैश सी डैश इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ एल सी रूट से रूट भी कैंसिल आउट देन एल डेश डल टू एल सी और यहाँ से अगर बात करूँ मैं सी डेक्ल टू कितना बन जाएगा एल सी अपॉन में एल डेस बस इसी को सिंपलीफाई करना है आपको तो सी डेक्ल टू क्या है एल एल की वैल्यू आपके पास है बेटा ज़ीरो पॉइंट वन सी सी की वैल्यू बेटा टू हंड्रेड माइक्रो टैन की पावर माइनस सिक्स डिवाइड बाई एल डेश एल डेष की वैल्यू बेटा कितनी है आपके पास हंड्रेड कैंसिल आउट टू को पॉइंट टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट टू टैन की पावर माइनस सिक्स ऑफ फेरड टैन की पावर माइनस सिक्स को क्या लिखा जा सकता है बेटा आपके पास माइक्रो फ़ेरड। ये आपका क्या हो गया आंसर।